हाथ में काले झंडे लिए लोगों को भागकर पकड़ती पुलिस की ये तस्वीरें कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की हैं, जहां आज राज्य मंत्री कमलेश ढांडा कष्ट निवारण मीटिंग लेने पहुंचे थे, जिसकी भनक किसानों को लगी तो वो काले झंडे हाथों में लेकर मौके पर पहुंच गए, जिन्हें देख पुलिस प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। और जैसे ही मंत्री कमलेश ढांडा मीटिंग के बाद जाने के लिए निकले तो किसानों ने जोरदार नारेबाजी कर दी और मंत्री का रास्ता रोकने की कोशिश की, जिससे पुलिसकर्मियों ने विरोध करने वाले किसानों को एक एक कर पकड़ा और मंत्री के निकलने के बाद छोड़ दिया। इस दौरान पुलिस और किसानों में झड़प भी देखने को मिली। आई थी लुक छुप के आई थी, अगर इतना दम था तो सामने क्यों नहीं आई? हमारे भाइयों को पुलिस वाले आगे क्यों करते हैं? इनके पास सांसद भी है, विधायक भी है, उनको आगे करो। आपने काले झंडे दिखाए आज? हाँ जी, काले झंडे दिखाए, हमें विरोध करते रहेंगे, हम तो ऐसे विरोध करते रहेंगे। और काले तेल के सत्ता पुलिस प्रशासन इतना दम है, हमने वोटों से बढ़ाया, हमारे बीच में आके बात करे क्यों नहीं करती है सरकार? में प्रोग्राम रखे यहाँ यूनिवर्सिटी में कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, क्यों करते हैं ये? कब तक रोकेगी पुलिस? ये चोर है, ये चोर है, जब चोरी से प्रोग्राम करते हैं, अगर इतने होते तो सामने आते सबके सामने और जिम्मेदारों का दुख सुख पूछते। क्या नाम है? मेरा नाम दिलबाग सिंह, महासचिव कुरुक्षेत्र। बता दें कि मोदी सरकार द्वारा लाए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले करीब 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हैं, तो वहीं हरियाणा में भी किसानों द्वारा सरकार के मंत्रियों और विधायकों का विरोध भी लगातार जारी है, जिसके चलते कई बार प्रदेश में किसानों और पुलिस में झड़प भी हो चुकी है और कई किसानों पर केस दर्ज हुए हैं। बावजूद इसके न तो किसान झुकने का नाम ले रहे हैं और न ही सरकार अपना अड़ियल रवैया छोड़ने का नाम ले रही है, जिसकी वजह से दोनों के बीच बातचीत को लेकर डेडलॉक लगा हुआ है। सत्य खबर के लिए कुरुक्षेत्र से भारत साबरी की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।